लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 17 बी. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द रेडियाई ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. वो कह रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अ हॉलो स्फेरिकल शेल आर. रेडियस जो है इंटरनल और एक्सटर्नल स्फेरिकल शेल का 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है. मतलब इंटरनल है 3 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल है 5 सेंटीमीटर रेडियस. इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर. इसको मेल्ट किया गया और दोबारा से क्या बनाया गया, सिलेंडर की फॉर्म में बनाया गया, जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर. हमें हाइट बतानी है सिलेंडर की, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. देखिए ये स्फेरिकल शेल है और ये रिकास्ट कर दिया गया है सिलेंडर में. अब हमें स्फेरिकल शेल का इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है कितना, दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो ये आ गया हमारा इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस 3 सेंटीमीटर और ये आ गया 5 सेंटीमीटर का, राइट. आगे क्या कह रहा था, आगे कह रहा था हमारा सिलेंडर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर. तो हमारा सिलेंडर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर. हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर की, तो इसका मतलब हमें ये हाइट निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम निकालना होगा. तो कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, अगर आपने मेरी इंट्रो वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें दिखा रखा है वॉल्यूम कैसे निकलता है. सबसे पहले हम रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ इंटरनल स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का इंटरनल रेडियस दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है स्फेरिकल शेल का 5 सेंटीमीटर और हमें क्या दे रखा है, सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हुआ, रेडियस ऑफ सिलेंडर हुआ हमारा डायमीटर का आधा, दैट इज 14 / 2, 7 सेंटीमीटर हो गया, राइट. अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट हम सिलेंडर की लेट कर लेते हैं. लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी, ऑफ पहले जो जो चीज दी हुई होती है उसको लिख लेते हैं एच सेंटीमीटर. अब हमें वॉल्यूम निकालना है इस स्फेरिकल शेल का, क्यों, क्योंकि हमारा रिकास्ट करके सिलेंडर बनाया गया है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा. तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल होता है डायरेक्टली लिख रही हूं एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम. अब एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होता है, इंटरनल वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम होता है उसमें सिर्फ रेडियस चेंज होना इज कॉल्ड द एक्सटर्नल वॉल्यूम. अगर हम एक्सटर्नल का रेडियस लगा देंगे तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकल जाएगा और इंटरनल का रेडियस लगा देंगे तो हमारा इंटरनल रेडियस निकल जाएगा. तो हमारा क्या हुआ, देखिए 4/3 pi आर क्यूब, लेकिन एक्सटर्नल ई लिख रही हूँ रेडियस पे, माइनस 4/3 pi आर क्यूब, लेकिन इंटरनल का लिया आई लिख रही हूँ. तो ये कितना आ गया, 4/3 pi कॉमन निकल गया है दोनों में. देखिए दोनों में 4/3 pi कॉमन था तो मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया एक्सटर्नल रेडियस का क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस का क्यूब. अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 4/3 pi मतलब 4/3 × 22/7 pi की वैल्यू. अब एक्सटर्नल रेडियस कितना था, दैट इज 5 सेंटीमीटर का क्यूब माइनस 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वो 3 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस था,
तो 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो ये कितना आ गया, 4 इंटू 22 इज 88 अपॉन 21। अब 5 का क्यूब होता है 125 और 3 का क्यूब होता है 27, तो ये कितना आ गया, 88 अपॉन 21 इंटू 125 में से 27 गया इज 98। अब ये देखते हैं कैंसिल हो पाता है कि नहीं होता है, 7 से देखते हैं, 7 वन ज़ा 7, 7 से हो जाएगा, 7 थ्री ज़ा 21, 7 वन ज़ा 7, 7 फोर ज़ा 28, तो ये कितना आ गया, 14 इंटू 88, 88 इंटू 14 ये आया 4 एट ज़ा 32, 4 एट ज़ा 32, 35, 8 एंड 8 तो ये आ गया 2, 13 कैरी 1 एंड 12, 1 2 3 2 अपॉन 3 ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब हमारा इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम आ गया। अब हमने रीकास्ट करके सिलेंडर बना दिया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो गया, राइट। तो कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया हमारा 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, तो ये कितना आया है हमारा, दैट इज 1232 अपॉन 3 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर कितना था हमारा सिलेंडर का, दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 और हाइट हमने मानी थी एच, तो ये कितना आ गया, ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब 22 और 7 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो h कितना आ गया 1232 अपॉन 3 इंटू 22 इंटू 7। अब देखते हैं कैंसिल होता है कि नहीं होता है, 11 से कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, तो 11 टू ज़ा 22, 11 वन ज़ा 11, 13 11 वन ज़ा 11, 22 11 टू ज़ा 22। अब देखते हैं 3 से कैंसिल होता है कि नहीं होता है, 3 थ्री ज़ा 9, 10 11 नहीं होता, 7 से देखते हैं, 7 वन ज़ा 7, ये 7 से होता है, 7 वन ज़ा 7, 7 वन ज़ा 7, 7 सिक्स ज़ा 42, 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16। तो हाइट कितनी आ गई हमारी, 8 अपॉन 3 कहें या 3 टू ज़ा 6 प्लस 2 अपॉन 3, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कर लिया, कैसे, देखिए 3 से डिवाइड किया 8 को, 3 टू ज़ा 6 रिमाइंडर 2 आ गया, तो हमने ये सीखा हुआ है, ये रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, कोशेंट साइड में लिखा जाता है होल में, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, सेंटीमीटर। हाइट आ गई हमारी 2 होल 2 अपॉन 3 इज़ द हाइट ऑफ आर सिलेंडर, आंसर।